आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस वक्त पीआईए के सीईओ और अरशद मलिक और गुलाम सरवर इस वक्त प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की टीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई वो पोजीशन हो चुकी। सो अब मेरा इस इन्वेस्टिगेशन से सिर्फ यही ताल्लुक रह जाता है कि मुझसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, वो मैं उनके देने का पाबंद हूँ, वरना मेरा उस इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये मैं अपने मिनिस्टर साहब की इजाज़त से ज़रूर कहना चाहूँगा कि इदारे की सरबराह की हैसियत से मेरे बशमूल जो भी इसमें साबित हुआ, जो भी जिसको इसका जिम्मेवार ठहराया गया, मैं पूरी गारंटी के साथ अपने सामने सबको एहतसाब के लिए न सिर्फ पेश करूँगा बल्कि मुकम्मल शफाफ एक्शन लिया जाएगा, जो कि हुकूमत पाकिस्तान का एक वाज़ेह मैंडेट है। हमारा अगला मरहला जो मेरी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह पहला कामयाबी से मुकम्मल किया ईआरपी का, एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर अगले 7 दिन इसी तरह 24 घंटे खुला रहेगा। अब हमने कंपनसेशन के पैसे देने हैं जो आपको मिनिस्टर साहब डिटेल बताएंगे, और दूसरा चूँकि आपको बताया मदावा कुछ नहीं हो सकता, पैसा कोई मदावा नहीं, जो रंजू आलम और जो ये सानिया हुआ जो शहदा के घर वालों के साथ और जो मेरे फ्रंट लाइन के पायलट और केबिन क्रू के साथ हुआ, पैसा उसका मदावा नहीं, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन के तहत हम पूरे अपने इंतजाम पूरे करेंगे। सो डीएनए की मैचिंग के लिए खसूसी टीम, जब ये डीएनए हो जाएगी फिर हम इन लवाकिन को वो शहदा के जस्ते खाकी हवाले करने शुरू कर देंगे। हमारा एयरपोर्ट होटल, एयरपोर्ट की पोस्टें, कसरे नाज जो गवर्नर सिंह साहब ने हमें हवाले किया, ये सब इंटैक्ट हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक लवाकिन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम का रब्ता हो चुका। इस अपडेट के बाद मैं जनाब मिनिस्टर साहब थोड़ा सा इंग्लिश की स्टेटमेंट देता हूँ फॉर फॉर्मेट। यस, आई जस्ट वांट टू टेल यू द अपडेट इज दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट विच टुक प्लेस यस्टरडे, वी हैव मेड सम प्रोग्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेट ऑल दी When we made the contact was established with all dead bodies, with all the Shohada's families, and those families we are in touch. Out of 99, the two survivors were there, but rest 97 bodies have been recovered and handed over to the hospitals. Out of that, 21, after formal identification, have been handed over to their dear ones. The remaining, we have collected the DNAs of those shohadas and they have been submitted to our hospital and Karachi University. A special team by government of Punjab has been positioned at Karachi University, which is in the process of conducting these DNA tests. No sooner that is completed, we will start to hand over the bodies to the dear ones. The next phase is that will start the compensation which Honorable Minister will provide, the information he will be giving you. The Aircraft Accident Investigation Board, an independent body, has been formulated by Government of Pakistan. It has been positioned. Now I am liable to give all kind of assistance in the kind of information which I am supposed to. And thereafter, in the light of investigation by this independent body, whatever whosoever is made responsible within my organization, I'll be taking the stern possible action, and thereafter I'll also present myself to the government of Pakistan. Fortunately, we have found the black box and that has also been handed over to Aircraft Accident Investigation Board team. This is the update, and we stand beside the shohadas, the grieved families, and every possible effort which can be done that will be executed to facilitate. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shukriya Safi Bradri ka. Sabse pehle to mujhe is intihai afsosnak waqia pe tamam ahliyan Pakistan, ahliyan Karachi और बिलखसूस जिन फैमिलीज़ के अंदर शहादतें हुई हैं उनसे अफसोस करना है। द
दिली रंजो गम का इजहार करना है, उनके गम में बराबर का शरीक होना है और दिली दुआ भी करना है कि अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नत अल-फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके लवाइकीन को सब्र व जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला सबसे बड़ा कंपनसेट करने वाला तो वो पाक ज़ात है। अल्लाह ताला हमें उन फैमिलीज को कंपनसेट करने की, उनके दुख कम करने की तौफीक अता फरमाए और हकायक कौम के सामने जल्द अज जल्द रखने की तौफीक अता फरमाए। तो मकसद मेरी इस विज़िट का गोवा हादसे के वक्त इमीडिएटली चीफ एग्जीक्यूटिव PIA कराची पहुँचे, ये भी इस्लामाबाद थे, मैं भी इस्लामाबाद था। इसमें आर्मी कोर कमांडर साहब का, इसमें रेंजर्स, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सबसे बढ़ के जो मैंने मीडिया में देखा, जो जज्बा मैंने देखा है अवाम का, वॉलंटियर्स का, वो मैं खराज तहसीन पेश किए बगैर नहीं रह सकता कि उस आग में जिस तरह कूद के इंसानी जानों को बचाने की कोशिश हो रही थी, अपनी तरफ से कोशिश थी, एक जज्बा था, तो उसे मैं अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकता। मैं तमाम उन अदारों जिन्होंने एक रोल प्ले किया, उसमें आर्मी है, उसमें रेंजर्स हैं, उसमें सोशल अदारे भी उसमें मौजूद हैं, रफाई अदारे भी उसमें मौजूद हैं, वॉलंटियर्स भी उसमें मौजूद हैं और सबसे बढ़ के एलियान मुअल्ला जो अफेक्टिव थे उस मोहल्ले के और जिन्होंने लोगों को इमीडिएट रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की, सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वाकया बहुत बड़ा है और इंतहाई काबिल अफसोसनाक वाकया है। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, ईद भी करीब है, लोग अपने प्यारों को मिलने आ रहे थे, तो जो सदमा है मुझे भी बहसीयत एक इंसान, वो मेरे जज्बात भी मेरा साथ नहीं दे रहे और मेरी ज़बान भी मेरा साथ नहीं दे रही, लेकिन दिली दुआ ही कर सकते हैं और अपनी वसात के मुताबिक जो उन फैमिलीज के लिए कर सके ज़रूर इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो सबसे पहले तो जिस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने फरमाया कि कंपनसेशन, कोई कंपनसेट नहीं कर सकता, ये कोई कंपनसेशन नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशनली ये होता है वो 5 लाख रुपया, ये कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। प्राइम मिनिस्टर की खसूसी अदायात पे उसे 10 लाख किया गया और एक जो इंश्योरेंस मनी है उसे भी एक टाइम लिमिट किया गया और कहा गया कि जल्द अज जल्द जितने कम अज़ कम वक्त में इंश्योरेंस मनी इन एग्रीव्ड फैमिलीज़ को पहुंचाई जा सके वो पहुंचानी है। और इसके बाद सिविल आबादी पे ये जहाज क्रैश हुआ है, एक गली में गिरा है, दोनों तरफ के घर डैमेज हुए, मैं खुद देख के आया। उन घरों की कंपनसेशन या रिहैबिलिटेशन, उनकी रिपेयर मुरम्मत और फिर उनकी जो अमलाक तबाह हुई, साथ उनकी गाड़ियां तबाह हुई, वो भी एक फेयर सर्वे करने के लिए हमने हदायात PIA को अपने तौर पे, सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ को अपने तौर पे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने तौर पे, और ये पैरेलल एनालिसिस भी होगा, असेसमेंट भी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर से खुसूसी तौर पे उन फैमिलीज़ को जिनकी अमलाक तबाह हुई, जिनकी गाड़ियाँ जली, जिनके घर ख़राब हुए, उन्हें कंपनसेट किया जाए। तो एक तो उसे भी मैंने एश्योर करना था, खुद देखना भी था और यकीन दहानी भी करानी थी और इस प्रोसेस को भी मैं खुद देखूँगा भी और जल्द अज जल्द ये कंपनसेशन भी दिलवाने की कोशिश करूँगा। बाकी इसमें जो सबसे अहम फैक्टर है, जो मेरा कंसर्न है, यकीनन आपका भी कंसर्न होगा, मैं भी चीफ एग्जीक्यूटिव साहब से कह रहा था कि रिसेंट पास में अब 3 हादसे हो चुके,
गिलगित का हादसा, फोकर फ्लाइट लैंडिंग के टाइम डैमेज हुआ जहाज, उससे पहले चित्राल का हादसा, वो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय वाली बात कि अगर बर वक्त इंक्वायरी ना हो सके, बर वक्त रिपोर्ट ना आ सके, रिपोर्ट पब्लिक ना हो सके, ये सबसे बड़ी कमज़ोरी अदारों की कमज़ोरी और हुकूमत वक्त की कमज़ोरी है। तो एक बात, इस बात पे मैं अपनी तरफ से और अपनी हुकूमत की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि कम अज़ कम टाइम गोस में टाइम, मैंने ये भी डिस्कस किया कि टाइम लिमिट किया जा सकता है, तो मुझे ये भी कहा गया कि मुख्तलिफ अदारे और बड़ा माइन्यूटली इसकी इंक्वायरी होगी, जितने डबरीज पड़े हुए जो अभी हम देख के आए हैं इन सब को उठाया जाएगा, कंसोलिडेट किया जाएगा, फिर इसकी इंक्वायरी सीए अपने तौर पे, पीआईए के इंजीनियर एक्सपर्ट्स अपने तौर पे, और सबसे बढ़ के जिस कंपनी ने ये तैयारा बनाया एयरबस, जर्मनी और फ्रांस, उनकी टेक्नोलॉजी थी, उनके एक्सपर्ट्स ने भी आना है, वो उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करनी है, और हमारा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंडिपेंडेंट बोर्ड है जिसमें एयरफोर्स के अफसरान भी हैं, सीए भी है, उन्होंने अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी करनी है, पीआईए सीए इंडिपेंडेंटली करेगी और मैं खुद इसे सुपरवाइज करूँगा, और मेरी कोशिश होगी कि 3 माह के अंदर, लेकिन अभी तक चित्राल हादसे की रिपोर्ट नहीं आ सकी, पब्लिक नहीं हो सकी, ये हमारी कोशिश होगी कि 3 माह के अंदर इसकी रिपोर्ट, प्रोविजनल रिपोर्ट सामने आए, अगर मुकम्मल रिपोर्ट ना आए तो कम से कम प्रोविजनल रिपोर्ट तो सामने आए कि आवाम जान सके कि ये हादसा किस तरह पेश आया, और इस बात पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, सर किसी का जाता है, हमारा भी जाते हैं, हम भी हाजिर हैं, हम तो एक नई ट्रेडिशन रकम करने चले हैं कि अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना, तो इसमें मैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हम भी जिम्मेदार हैं, अगर किसी तरह किसी हवाले से हम पे भी कोई जिम्मेदारी आती है तो हम भी स्टेप डाउन करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को मिनिमम टाइम के अंदर तैयार करवाना, नेशनल असेंबली में पेश करना, लोगों के सामने उसे पब्लिक करना और फिर उस पर एक्शन लेना, ये हमारी एक जिम्मेदारी होगी। तो मैंने तो यही शॉर्ट स्टेटमेंट देनी थी, अब अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो। सर, जो आपने जो आपके इस सवाल का जवाब भी इंक्वायरी रिपोर्ट में आएगा कि उस फनल एरिया में अगर कंस्ट्रक्शन है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, तो जो लोग उसके जिम्मेदार हैं इंशाल्लाह ताला उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करना होगा, लेकिन कंपनसेशन जो डैमेज है उसकी कंपनी वो डेफिनेटली हम गवर्नमेंट से दिलवाएंगे, चाहे उनकी इमलाक हो, चाहे उनकी असबाब हो, जो चीज़ें उनकी ख़राब हुई हैं, बाकी जो कंपनसेशन, ये एयरक्राफ्ट भी इंश्योरेंस था और इंश्योरेंस की रकम उस कंपनी ने फराहम करनी है, उससे हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी होगी और बाकी एग्रीड फैमिलीज के लिए भी होगी। बिल्कुल, आपने बजा फरमाया जी, रात इफ्तारी के बाद हमारी हंगामी मीटिंग हुई और डुअल चार्ज है सेक्रेटरी एविएशन का, डीजीसीए भी उनके पास चार्ज है, रात ही हमने समरी बनाई भी, मैंने उसके सिग्नेचर भी किए और बाय सर्कुलेशन उसे हमने फेडरल कैबिनेट से मंजूर भी करवाया और नोटिफाई किया, तो प्रॉपर सारे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद
ये कमेटी जो इंक्वायरी कमेटी है या बोर्ड है उसे नोटिफाई किया गया। तरमीम नहीं हुई बिल्कुल, उस DGCA के पास अगर पावर्स हैं तो DGCA ने भी वो पावर्स एक्सरसाइज करते हुए प्राइम मिनिस्टर के नोटिस, हमने समरी भिजवा के उसकी अप्रूवल ली। मैं मेरे भाई मैंने यही अर्ज किया कि DGCA ने भी उसे नोटिफाई किया, वही सेक्रेटरी है, और हमने स्पेशल परमिशन इस पे प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में भी दिया कि ये पावर्स DGCA के पास हैं, उसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ये हम फेडरल कैबिनेट की भी मंजूरी लेना चाहते हैं लेके इसे नोटिफाई करना चाहते हैं। यकीनन देखें जी, CA गवर्नमेंट का अदारा है, उसके दो हिस्से हैं, एक रेगुलेटरी है, एक कमर्शियल है, और यकीनन उसमें एयरफोर्स के अफसरान भी मौजूद हैं, और ये भी यकीनन वो क्वालिफाइड अफसरान मौजूद हैं, और इस चीज़ की जिम्मेदारी बहसीत एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, और जो जिम्मेदार ठहराया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। देखें जी, फॉर्मेलिटीज़ भी करनी पड़ती हैं, आपसे इंटरेक्ट भी करना है, जो कुछ हमने किया है या जो कुछ हम करना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंचाना भी है, और आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये राय भी हमने लेनी है, इसे भी हमने मद्देनज़र रखना है। तो मिनिस्टर मैटर नहीं करता, आज मैं हूँ तो कल कोई और होगा। देखें ना, 2016 का वाक़या है, उस वक्त गवर्नमेंट और थी, प्राइम मिनिस्टर और था, लेकिन जिम्मेदारी बिल आखिर इंस्टीट्यूशन पे है, जिम्मेदारी CA पे है, जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे है, तो वो कंटिन्यूटी रहती है, तो वो जिम्मेदारी अगर कोई कोताही पिछली गवर्नमेंट से भी हुई तो मैं तो उसे भी रेटिफाई करना चाह रहा हूँ कि वो भी सामने आना चाहिए। मैं यकीनन जो आप बात कर रहे हैं, जो आपका कंसर्न है, इस पर मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि ये जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट्स की, जिनके प्यारे गए हैं वो हकायक जानना चाहते हैं कि वजह क्या हुई है, क्रैश लैंडिंग क्यों हुई है, वो जानना चाहते हैं, तो फैक्ट्स उनके सामने आने चाहिए, और जो जिम्मेदार हों उनके खिलाफ प्रोसीड करना चाहिए। तो ये तो जिम्मेदारी, लेकिन पिछले अगर अद्वार में कुछ वाकयात हुए हैं तो वो भी हम जिम्मेदारी मैं लेना चाह रहा हूँ कि उसकी भी रिपोर्ट और इसकी भी रिपोर्ट इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द हम पब्लिक में। आपने बात की सिमुलेशन एक आजाद इदारा है, और लेकिन एयर मार्शल आसिम सुलेमान को गए हुए 3 साल हो गए, अभी तक जो है सिमुलेशन 3 साल से एडॉप्टिज्म पर चलाया जा रहा है, उसका परमानेंट जो स्ट्रेटेजी क्यों नहीं है 3 साल से? दूसरा, इकाओ की इंटरनेशनल सिविलेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूल होते हैं कि एयरपोर्ट्स के 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक आबादी नहीं हो सकती, अब तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की है, और DGCA जो मुस्तकिल क्यों नहीं है? यकीनन जी, आपका बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट CA होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि इसकी सेग्रीग्रेशन हो, जिस तरह मैंने कहा रेगुलेटरी और कमर्शियल दो डिफरेंट फंक्शंस हैं CA के, उन्हें अलग अलग कर दिया जाए। अब 30 जून लास्ट कैबिनेट में भी हमारे एजेंडे पे था, डिस्कशन पे था, और बड़ा सीरियस व्यू उस पर प्राइम मिनिस्टर ने लिया, और 30 जून उसके लिए लास्ट डेट हमने रखी है, इंशाअल्लाह ताला इसी साल ये
डिवीजन भी मुकम्मल होगी और इंडिपेंडेंट डीजीसीए एडिशनल डीजीज दोनों अदारों के इंडिपेंडेंट एडिशनल डीजीज आएंगे। आबादी जो है उस पर आप क्या कार्रवाई? एक आप के लिए खबर है, आप आपकी तरफ से खबर नहीं कि मैंने पेपर्स देखे सिर्फ कराची 1500 एकड़ सीए लैंड इनक्रोच हो चुकी है, वो भी तो कोई हुकूमतें जिम्मेदार थीं, कुछ अफसरान जिम्मेदार थे, तो अब उस इनक्रोचमेंट की यहां इलीगल काम हुए हैं कि जहां ऑथोराइज नहीं था, हो सकता है फनल एरियाज जहां रिस्ट्रिक्शंस थी, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन भी हुई हो, ये तो गलतियां होती रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम रेटिफिकेशन की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सर्वाइवर्स हैं उन्हें तो अल्लाह ताला ने कंपनसेट कर दिया कि दोबारा नई जिंदगी दे दी, उन्हें हमने क्या देना है? अल्लाह ताला इससे बढ़ के और क्या दे सकता है? चले उन्हें क्या दिया जा सकता है? जो मलिक साहब उन्हें भी हम यकीनन कंसिडर करेंगे। और जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के बारे में तो हम कह चुके हैं कि उनकी असेसमेंट होगी और कंपनसेशन होगी इंशाल्लाह ताला। कुछ आप पॉइंट आउट कर देना, गुरानुमाई कर दें। एमरजेंसी लैंडिंग के लिए एसओपीज मौजूद हैं, अरेंजमेंट सारे मौजूद हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक मौजूद हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के तहत मौजूद हैं। बस अनफॉर्चुनेटली की अनाउंसमेंट पायलट ने की नहीं कि मैं एमरजेंसी लैंडिंग करना चाहता हूँ, वो सारे अरेंजमेंट्स किए जाए। यही ब्लैक बॉक्स से यही कन्वर्सेशन सामने आएगी और उसकी भी इंक्वायरी होगी, लेकिन ये चंद चीज़ें ज़रूर टेक्निकल हैं, चंद चीज़ों की वजह से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, एक कन्फ्यूजन भी है जिस तरह ये मीडिया पे भी ये चीज़ें चल रही हैं, और इसमें मुख्तलिफ दोस्त मुख्तलिफ हवालों से अपना एक्सपर्ट ओपिनियन भी दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है जो कमेटीज़ इस सारे मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगी, इंक्वायरी करेंगी, और इसमें यकीनन जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका तो बिल्कुल ही एक इंडिपेंडेंट व्यू होगा ना, तो ये सारी चीज़ें सामने उस वक्त आएँगी, फ़िलहाल सारी क्या सराई आएँगी। जी सर, मैंने भी इसी तरह मीडिया में सुबह एयरपोर्ट पे बैठे हुए मैंने भी मीडिया में सुना है, मीडिया में देखा है, लेकिन अभी तक देखे ना, अभी तो फिलहाल सबसे पहला काम तो रिमेन्स लोगों की उठानी, नमाज की तैयारी, हॉस्पिटल पहुंचाना, उनका डीएनए करना, एग्रीड फैमिलीज को लुक आफ्टर करना, डेड बॉडीज उनके हवाले करना, और साथ ही साथ जो इंक्वायरी बोर्ड है उसे नोटिफाई करना, ये सारी चीज़ें ये तो जो फर्स्ट फेज में होनी चाहिए, ये तो जिम्मेदारियाँ उस लिहाज से पूरी की जा रही हैं, लेकिन यकीनन अब अवलीन तरजीह इसी बात पे है कि हकीकत सामने आए कि हकीकत क्या थी। सर, सिर्फ एक फाइनल क्वेश्चन, उसके बाद 5 बजे वो नमाज़े जनाज़ा
गवर्नर साहब पहुंच गए सर। दूसरा सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 1500 एकड़ जमीन की बात की है, उसको वामदार कराने के लिए सर पॉलिटिकली जो है वो आप पता है किस किसके हाथों में होगी, किस तरह करेंगे सर ये? जहाँ तक सीए की नेगलिजेंस की बात आपने नोटिस की है, इस पे उनका उनके खिलाफ भी नोटिस इस चीज़ का भी लिया जाएगा। ये भी कोई मामूली बात नहीं है कि अगर जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी वॉलंटियर्स को क्यों नहीं की गई, इस पे भी बात होगी। दूसरी जहाँ तक ज़मीन का ताल्लुक है, उस पे हम कर रहे हैं कि जो सीएम चीफ सेक्रेटरी और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस को, कि उनका भी एक डिसीजन मौजूद है कि इनक्रोचमेंट रिमूवल के बारे में उन्होंने ऑलरेडी एक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उन्हें भी इन्वॉल्व किया जाएगा और बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी। कराची तैयारा हादसा और तहकीकात, ईद के बाद क्या होंगे हालात, मीठी ईद पर चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट, कोई होगी गिरफ्तारी, किसे मिलेगी सपोर्ट, जानिए एक नगारी सब पे भारी में शाम 5 बजे सिर्फ पोल न्यूज पर। अपने मोबाइल में 100, 500 या 1000 रुपए टाइप करें 9903 पर SMS करें, बना बचत वाला पैसा बचा डाला। ईद के चांद पर नया तनाज़ो, वज़ारत साइंस और वज़ारत मज़हबी उमूर आमने सामने। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने कल ईद मनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक़ क़ादरी का रद्द अमल, कहा पाकिस्तानी कौम और हुकूमत मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के फैसले के मुताबिक ही ईद मनाएगी। ईद का फैसला उलमाए कराम करेंगे। फवाद चौधरी आजकल चांद चांद खेल रहे हैं। शहबाज गिल फवाद चौधरी की हिमायत में सामने आ गए, कहा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान में साइंस और तहकीक की खुशगवार हौसला अफजाई होगी, मुआशरे में मौजूद रुझत पसंद और तकियानूसी नजरियात पर कारी जर लगेगी। जनाब पोपल जई का काम वजीर साइंस ने संभाल लिया, सरकारी सतह पर चांद देखने की जिम्मेदारी रुयत हिलाल कमेटी है या वजारत साइंस? इमरान सरकार ईद पर आवाम को कंफ्यूज क्यों कर रही है, कोई शर्म हया, कोई रियासत डिसिप्लिन? नूनी के रहनुमा ख्वाजा सादफी की तनकीद। कल मुल्क में ईद होगी या रोजा, आवाम उलझन में मुब्तला, शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास शाम कराची में होगा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान सदारत करेंगे। सऊदी अरब में ईद उल फित्र कल होगी। कराची तैयारा हादसे में जहां बहक, तमाम 97 अफराद की लाशें निकाल ली, 68 मर्द, 26 खवातीन और 3 बच्चे शामिल, 19 लाशों की शनाख्त हो गई। DNA नमूने मैच होने में 21 रोज लगेंगे। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने बताया कि तैयारा हादसे में 19 घर मुतासर हुए, 10 कारों 13 मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुँचा। तैयार गिरने से मॉडल कॉलोनी के 16 रिहायशी मुतासर हुए, तैयारे में मौजूद अफराद ही जामा हुए। वो समय जिस पर भी जिम्मेदारी आयद होगी एहतसाब के लिए पेश होगा, तहकीकाती टीम जो भी रिकॉर्ड मांगेगी देगी, CEO PIA अरशद महमूद मलिक की प्रेस ब्रीफिंग। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि जांबाक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, घरों और गाड़ियों के नुकसान पर जर तलाफी देंगे। पहली बार लैंडिंग की कोशिश में तैयारी के इंजन बंद पर टकराए, चिंगारियां निकलने पर कप्तान जहाज को ग्राउंड के लिए ले गया, रनवे इंस्पेक्शन रिपोर्ट। जिंदा बचाने वाले मुसाफिर जुबैर ने भी बताया कि तैयारा लैंड करने के बाद दोबारा उड़ा, इमरजेंसी लैंडिंग का मुसाफिरों को बता दिया गया था।
तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सिविल एविएशन के सपोर्ट, लैंडिंग गियर ना खुलना और परिंदों का टकराना हादसे की वजह करार। बदकिस्मत तैयारे की एग्जीक्यूटिव समरी तैयार, जहाज का पहला इंजन इस साल 25 फरवरी और दूसरा 27 मई को इंस्टॉल किया गया। तीनों लैंडिंग गियर 18 अक्टूबर 2014 को इंस्टॉल हुए। हादसे से एक रोज पहले तैयारा मस्कत में फंसे पाकिस्तानियों को लाहौर लाया। वफाकी हुकूमत की चार रुकनी तहकीकती टीम का जाय हादसा का दौरा, ब्लैक बॉक्स तहवील में ले लिया। कराची तैयारा हादसे में जाँ बहक मेजर शहरियार अहलिया और दो बच्चों के नमाज जनाजा कराची के इलाके शरफाबाद में अदा कर दी गई। 13 मैयतें वर्षा के हवाले की जा चुकी, दो मुसाफिर मौजजाना तौर पर बच गए। मीडिया फिरौन बगैर किसी बीमारी की तशखीस के 27 रोज से सर्विसेज अस्पताल लाहौर में मुकीम, अब तक मुस्लिम की बीमारी की तशखीस न हो सकी। सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर ने मीर शकील को शदीद बीमार जाहिर किया था। कोरोना के बाद मुलाकातें बंद होने से मुलजिम को जेल से अस्पताल में मुंतकिल किया गया।